हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानीज किचन। आज एक हम आपके लिए सर्दियों में बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, रेड मीट की सीख कबाब, जो हम इसको बारबेक्यू पे बनाएंगे। तो पहले से हमने सिगड़ी गरम करने के लिए रख दिया है। सीख कबाब सीजलर बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, आइए हम देखते हैं। ये हमने रेड मीट का कीमा ले लिया है, आप चाहें तो बकरे का ले लें, आप चाहें तो बीफ का यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। कीमा हमने ये हाथ का कुटा हुआ लिया है, क्योंकि हाथ के कुटे हुए कीमे में जूसीपन बना रहता है। आप चाहें तो मशीन का भी यूज कर सकते हैं। और दूसरे, जब भी आप कीमा लें तो इसमें चर्बी लगा हुआ होना चाहिए, इससे कबाब हमारे बहुत ही टेस्टी बनता है। ये एक कटा हुआ प्याज, ये चना पाउडर 4 स्पून, अगर आपके पास चना पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप बेसन को भून के ले लें। ये 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, हमने पहले ही से इसको स्टोर कर रखा था। आपके पास अगर कच्चे पपीते का पेस्ट अवेलेबल ना हो तो आप पका हुआ पपीते का भी पेस्ट ऐड कर सकते हैं। ये कुछ पाउडर मसाले हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला पाउडर, 1/2 स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर भुना, 1 स्पून धनिया पाउडर। ये कटा हुआ हरा धनिया हमने इसको स्टेम्स के यानी जड़ के साथ काट लिया है। ये 3 कटी हुई हरी मिर्च, ये 1 स्पून नींबू का रस, बटर, बटर हमने 50 ग्राम बटर लिया है, नमक और 50 ग्राम जैसा तेल भी लिया है। ये हमने एक फूड प्रोसेसर ले लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में भी बना सकते हैं। इसमें हम कीमा डाल देते हैं। ये गया हमारा पाउडर मसाला, जो हमने सारे पाउडर मसाले लिए थे इसको डाल देते हैं। ये अदरक लहसुन पेस्ट, ये पपीते का पेस्ट। पपीते का पेस्ट इसलिए डालते हैं ताकि गलावट अच्छी होती है और गोश्त बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर होता है। अब ये प्याज डाल देते हैं, ये भुना हुआ चना पाउडर, कटी हुई हरा धनिया और हरी मिर्च, अब इसमें गया नींबू का रस, अब इसमें मैं 1 स्पून नमक ऐड करूंगी, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब इसको ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, एक देखिए, हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, कितना फाइन सा बना है। और आप जब भी एक चीज इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कीमा को धुले तो आप उसका पानी जरूर निचोड़ लें, नहीं तो आपका पेस्ट गीला हो जाएगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, लगभग 3 से 4 घंटे ढक्कन लगा के
सेट होने के लिए यानी मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो कम से कम आधा घंटा इसे जरूर मैरिनेट करें। ये देखिए हमने स्टील का स्क्यूअर्स ले लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल न हो तो मार्केट में ये लकड़ी का स्क्यूअर्स भी आ रहा है, आप इसको पानी में गीला कर लें, इसको धुल लें, उसके बाद इसका यूज कर लें, इस पे भी बना लें। और एक लोहे का भी आता है जो आपके पास अवेलेबल हो उसे बनाएं। हमने हाथों में हल्का सा तेल लगा लिया है। अब ये आप कोफ्ते की साइज की कीमे को लें, उसके बाद ये स्क्यूअर्स लें, इसको यूं बीच में डालें और इसको बहुत ही आराम से सब्र के साथ लगाएं, क्योंकि आसानी से ये नहीं लग पाता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। यूं दबाते हुए ऐसे बढ़ाएं, जो साइड से अगर निकल जाए तो उसको निकाल दें। ये देखिए जितनी बड़ी साइज का आपका बनाना हो यूं हल्का सा दबा दें। देखिए तैयार हो गया है, अब इसको रख देते हैं, रख लेते हैं। ऐसे ही हमने ये सबको बना के रख लिया है, आप भी ऐसे ही बना लें। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, ये मटेरियल जो हमने बनाया है, अगर मटेरियल जब आप बना रहे हो और स्क्यूअर्स पे आसानी से ना लग पा रहा हो, तो आप जो बेसन का पाउडर बनाया था हमने, चने का पाउडर, उसकी क्वांटिटी 2 स्पून या 3 स्पून जो आपको लगे ऐड कर ले, ताकि आसानी से बाइंडिंग हो सके। दोस्तों हमने ये सिगड़ी जला रखी है, इसके ऊपर अपना स्क्यूअर्स रखेंगे हम। यू ये अब हमने इसको पलट लिया है, ये रोस्ट हो रहा है एक साइड से, तो क्या करेंगे हल्का सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें बटर हल्का हल्का यूं लगाते जाएंगे। ये देखिए बटर से ग्रीस कर लेंगे। अब ऐसे इसको दूसरे साइड से पकने देते हैं। अब इसको यूं पलट के इधर से भी ग्रीस कर लेंगे। हमारे सीख कबाब तैयार हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, यू बहल के हाथ से यू ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, ये देखिए ऐसे ही बस हल्के हाथ से निकालेंगे।